जय श्री राम भक्तों, आज का विषय है विवाह संपन्न कराएगा ये सरल उपाय मात्र 30 दिनों में। ये आज का वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। कृपया करके आप इसको शुरू से आखिर तक अवश्य देखें। ये विवाह के लिए एक महान उपाय है। किसी भी दशा में किसी भी कारण से विवाह होकर नहीं दे रहा है, आपकी बात नहीं बन पा रही है, विवाह की बात होते होते बात टूट जाती है, काम होते होते रह जाता है, रिश्ता या जीवन साथी का चयन भी हो जाता है, पसंद भी आ जाता है, बात भी काफी आगे बढ़ जाती है, परंतु उसके उपरांत कोई ना कोई अवरोध आ जाता है। चाहे वो अवरोध कोई सामाजिक कारण की वजह से हो या किसी बुराई की वजह से हो या ग्रहों की दशा महादशा की वजह से हो, मंगल दोष की वजह से हो, काल सर्प दोष की वजह से हो या किसी भी कारण से बात विवाह की बन ही नहीं पा रही है, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, ये बच्चे हो चाहे बच्ची हो या उनके माता पिता हो, क्योंकि ये जीवन में एक बहुत कष्टकारी स्थिति होती है कि समय पर अगर जीवन साथी का चयन या विवाह संपन्न ना हो पाए। आज का ये जो उपाय है हनुमान जी के माध्यम से है, हनुमान जी की शक्ति और उनके आशीर्वाद से ये विवाह का कार्य कराएगा। और ये एक उपाय है, टोटका नहीं है, टोटका नहीं है, और ये एक परीक्षित प्रयोग है। इस प्रयोग के माध्यम से हमने अपने जीवन काल में हजारों बच्चों का विवाह संपन्न कराया है। मेरा आपसे विनती है कि आप अपने इस प्रिय चैनल द एडवेंचर ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। हम विषय पर आते हैं। आपको ये प्रयोग किसी भी मंगल वाले दिन या शनिवार वाले दिन करना है। सबसे पहले नहा धो के शुद्ध होके शुद्ध मन से और पूरे विश्वास के साथ आपको किसी मंगल या शनिवार वाले दिन अपने घर के पास किसी सिद्ध हनुमान जी के मंदिर में जाना है और अपने साथ जो चीजें ले जानी है वो आप कृपया नोट करें। एक शुद्ध देसी घी का दीपक, धूप बत्ती, बेसन के लड्डू भोग के लिए, दो गांठ साबुत हल्दी की और कलावा और तीन जायफल और थोड़ी सी दक्षिणा लेके आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। आपको सबसे पहले वहां जाके एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलानी है और जो मिष्ठान आप लेके गए हैं बेसन के लड्डू का भोग वो आप हनुमान जी महाराज को भोग लगाएं, दक्षिणा दें। उसके उपरांत आपको करना क्या है कि जो दो हल्दी की साबुत गांठ आप लेके गए हैं उस गांठ को हनुमान जी के चरणों में रखें और मन ही मन सच्चे मन से ये प्रार्थना करें कि हे बजरंगबली, हे हनुमान जी, मेरा विवाह एक उचित वर के साथ या उचित कन्या के साथ जल्द से जल्द संपन्न कराएं।
और ऐसा बोल के उनके चरणों में वो हल्दी की गांठ है आप चढ़ा दें। उसके बाद जो आप अपने साथ तीन जायफल ले गए हैं, प्रत्येक जायफल पर कलावा से तीन तीन बार कलावा लपेट के तीन तीन गांठ लगा दें और एक जायफल जिसमें कि कलावा लपेटा गया हो लेके आप अपने सिर पर उस जायफल को सात बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे उसारेंगे और उसको हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देंगे। उसके बाद दूसरे जायफल को भी जिसके ऊपर तीन बार कलावा लपेटा गया हो, तीन गांठें लगाई हो, उसको अपने सिर पर सात बार उसारेंगे और हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देंगे। उसके बाद फिर तीसरे जायफल को जिसके ऊपर तीन कलावा तीन बार लपेटा गया है, तीन गांठें लगाई है, उसको भी अपने सिर पर सात बार एंटी क्लॉकवाइज उसार कर हनुमान जी के चरणों में चढ़ाकर मत्था टेकेंगे कि हे बजरंग, और प्रार्थना करेंगे हे बजरंग बली, हे हनुमान जी, मेरे शादी में जो भी अवरोध आ रहे हो किसी भी कारण से, उन सभी अवरोधों को आप दूर करें और मेरा विवाह जल्दी संपन्न करें। उसके उपरांत आप हनुमान जी महाराज से विनती करेंगे कि अब मैं अपने घर जा रहा हूं या जा रही हूं और ये हल्दी की गांठें भी वापस अपने साथ ले जा रहा हूं या ले जा रही हूं, ऐसी उनसे आज्ञा मानकर आप उन दोनों हल्दी की गांठों को वापस अपने घर पर ले आए और अपने पूजा के स्थान में, पूजा के घर में रख दें। इस उपाय को आपको गुप्त रखना है और विश्वास रखना है बालाजी महाराज पर, हनुमान जी पर। मेरा पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आपका विवाह मात्र 30 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं से तय अवश्य होगा। ये एक परीक्षित प्रयोग है, इसको शुद्ध मन से और पूरी श्रद्धा भाव से आप करें, आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे और आपसे प्रार्थना है कि आप कमेंट में जय बाबा की लिखें। जो भक्त कमेंट में जय बाबा की लिखेगा, हम उसके लिए बालाजी महाराज से, हनुमान जी से विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे कि उसका ये कार्य आप अवश्य संपन्न करें। जय श्री राम।